अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इस वीडियो एल्बम को बनाने के लिए पैसे की बहुत तैयारी करनी पड़ी क्योंकि खर्चा सारा मैंने किया है, तो पैसे की तैयारी बहुत करनी पड़ी। बाकी फैसल मियां फोटो वाले जो मेरे भाई, इनका एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो। कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है, तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी, व्हाई? आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? व्हाई नॉट? सो आई एम सो सॉरी टू से, पर आपने पर्दा किया है कॉटन से? आई एम कॉटन से पर्दा किया है, मुस्लिम माई सेल्फ, एंड मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है टूवर्ड्स दोस पीपल जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरके आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, आंखों पे, आंखों पे, सालों को अंदर कर दो। माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये एक बरहाना गैर मुस्लिम जो मुसलमानों के नाम पे धब्बा है, जिसका नाम सारा खान है, ये अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री की बताती है, जिसमें ये मुसलमानों को और इस्लामी नुक्ते नजर को गालियां देते हुए नजर आ रही है, जिसमें ये बात उसने कही है कि मुसलमानों को यानी मुसलमानों में जो मर्द हैं उनको पर्दा करना चाहिए और हमको इसी तरीके से बरहना रहने की इजाजत देनी चाहिए, उनके आंखों पे पर्दा करनी चाहिए, बुरखा मुसलमानों को लगानी चाहिए। और इसमें उसने कहा है कि हम अगर ना होते तो तुम्हारा वजूद भी ना होता, यानी हमारी वजह से तुम पैदा किए गए हो। ये तरह तरह की ये जो आजकल चलन आ गया है कि इस्लाम को गालियां देना, मुसलमानों को गालियां देना, तो ये सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि तुम फिल्म इंडस्ट्री के हो और तुमने अपनी इज्जत को बेच डाला है और तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मुसलमान के प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए अहकाम जारी फरमा दिए हैं और अल्लाह का कुरान ने जो हमारे लिए हुक्म दे दिया है, वो हुक्म हमारे लिए सर आंखों पे है, तुम्हारे किसी भी गुफ्तगू से अहले इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम मुसलमान हो जाओ और तुम सही तरीके से इस चीज की गुफ्तगू करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के लिए भी अहकाम नाफिज फरमाए हैं, औरत के लिए भी अहकाम नाफिज फरमाए। इस जाहिल को ये देखना चाहिए कि क्या कुरान मजीद की कोई आयत इस हवाले से मौजूद है या नहीं। वो सिर्फ बेतुकी बातें करके अपने आप में ये फेमस होना चाहती है, वायरल होना चाहती है, वो सोच रही है कि कोई ऐसा काम करें जिससे लोग इसको फेमस कर दें। इसको अगर कुरान पाक का इल्म होता तो जरूर इसको इस तरीके के कॉल न करती। जैसे कि कुरान पाक की सूरह नूर आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मोमिनीन यगुज्जू मिन अबसारिहिम व यहफुजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लकुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म यह दिया कि मोमिन मर्दों से कह दो ए नबी कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीजगी की बात है और जो ये काम करते हैं खुदा उनसे खबरदार है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी नजरें को नीची करें तो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने तो सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया, और जब मर्दों को हुक्म दिया तो अल्लाह ताला खुद मर्दों को हुक्म दे रहा है कि अपनी निगाहों को नीची करें। दूसरी बात, कुरान मजीद की आयत नंबर 31 में अल्लाह, वही सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, कुल वकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा इला आखिरिल आया। इसका तर्जुमा यह है कि और मोमिन औरतों से भी कह दो
कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करें, मगर जो उनमें से खुला रहता हो और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसुर और बेटी और खाविंद बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम की जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों को जो औरतों के पर्दों की चीजों से वाकिफ न हो, किसी पर अपनी जीनत को जाहिर न होने दें और अपने पांव न मारे उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए और मोमिन सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फला पाओ। अब देखिए कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीची करें, मर्द तो अपनी निगाहों को नीची रखते हैं, औरतों को भी हुक्म दिया कि अपनी शर्मगाह निगाहों को नीची करें, अपनी उरियानियत को जाहिर न करें। आज जो तुम्हारा लिबास देखो उस ऑडियो में ये नजर आ रहा है कि तुमने अपनी इज्जत को बेच डाला है चंद पैसों के खातिर, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इज्जत को तुमने बेच डाला। ये कुरान का तुम एक मुसलमान हो, तुम तो मुसलमान के नाम पर एक धब्बा हो। जो कुरान की बात को नहीं मानता है वो मुसलमान कहाँ का हुआ करता है। तो लिहाजा तुम अपने कौल से रुजू करो और इस्लाम हमेशा मर्द और औरत सबको बराबर का हक देता है। जिस तरह इस्लाम ने मर्द के लिए अहकाम बताए हैं इसी तरह औरत के लिए भी अहकाम बताए हैं कि औरत को भी ऐसे रहना चाहिए, मर्द को भी ऐसे रहना चाहिए। दूसरी बात जो तुमने कही है कि अगर हम ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता। सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो भेजा किसी भी नबी को वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। तो सबसे पहले इस दुनिया में वजूद जो हुआ है वो मर्द का हुआ है। अगर मर्द ना होते तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ना होती। तो तुम जो अपने आप पे अकड़ रही हो कि हम ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता, तो एक चीज जहन में रख लो, पहले आप जाके हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद इस तरीके की बेतुकी बातें करो के हजरत आदम यानी वो मर्द थे, मर्द की वजह से औरतों का वजूद हुआ है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुल्ब से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और फिर हजरत आदम की पाकीजगी को रखने के लिए तमाम मर्द औरत को क्या है हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी औरतों में इसको मुंतकिल कर दिया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी क्या है मकाम और इज्जत बढ़ा रहे। दूसरी बात यह है कि उसके बगल में कोई खड़ी है वो कह रही है कि मर्दों को बोरखा पहनाएंगे। बोरखा पहनाना ये मर्दों को नहीं है बल्कि ये है कि कुरान मजीद ने तो अपनी ओढ़नी को सीने पर रखने का हुक्म दिया, अपने जेवरात को छुपाने का हुक्म दिया, तो तुम्हारी जरूरत है कि उस तरीके से तुम बापर्दा रहो, क्योंकि अगर तुम बेपर्दगी से रहोगे तो न जाने तुमसे क्या क्या गुनाह हो जाएंगे। आज जो यही चीज यानी आप लोगों के ऐसे बयानात से ही औरतों पर जुल्म सितम हो रहे हैं, आज जो जुल्म सितम औरतों पर किया जा रहा है वो सिर्फ ऐसी लड़कियां जो क्या है उरियानियत यानी बेहूदगी बेपर्दगी को पसंद कर रही हैं, तो ऐसे ही उरियानियत की वजह से लड़कियों पर क्या है ये जुल्म सितम हो रहे हैं। तो आपका तुम्हारा ये कॉल करना ये बिल्कुल सरासर दुरुस्त नहीं है। तुम इस्लाम के नाम पर धब्बा हो, लिहाजा चाहिए कि तुम ऐसे कौल से तोबा करो और सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, वरना कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला।